मॉन्स्टर्स नहीं होते और ना ही कुछ डार्क में छुपा हुआ होता है और ना ही कोई अंधेरे में से कूदकर तुम्हें डराता है। ये सब कुछ मैंने सीखा था और शायद मैं यही अपने बच्चों को बता पाता, लेकिन बड़ा होने के साथ ही मैंने कई सारे मॉन्स्टर देखे और मैं जानता था कि ये सब रियल है, सिवाय एक चीज के। ये सब शुरू हुआ एक जोरदार आवाज के साथ। पता नहीं इसे डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, क्योंकि ये आवाज किसने पहले नहीं सुनी थी, क्योंकि ये आवाज थी एक गॉड के जबड़े के टूटने की, जिसे तोड़ा था सुपरमैन ने। डार्क साइड ने पिछले हफ्ते अर्थ पर अटैक किया, जस्टिस लीग लड़ी बिना थके बिना रुके सबके लिए, और उन्होंने अनपॉपुलेटेड एरिया से फाइट को दूर रखा, उन्होंने मिलियंस को बचाया और कितने ही एपोकैलिप्स के पैराडिमंस को उन्होंने खदेड़ दिया, और आखिरकार अल्टीमेट ईविल को रोक लिया गया। यहाँ पर सुपरमैन कहता है कि डार्क साइड तुम अभी अर्थ को छोड़ोगे, और यहाँ पर ये आखिरी कुछ घंटे थे लीग के, जो कि वो एक साथ थे, क्योंकि वो अभी इन्फेक्टेड नहीं थे। यहाँ पर बैटमैन कहता है कि तुम वापस हमारे वर्ल्ड में नहीं आओगे, और ऐसा करने के लिए वंडर वुमन उसे लाशों से बांधती है। जहाँ पर आगे ग्रीन एरो कहता है कि ये उसके लिए इजी होता अगर सुपरमैन ने उसका मुंह नहीं तोड़ा होता। तब लाशों को छुड़ाते हुए डार्क साइड कहता है कि मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि असली बात तो ये है कि मुझे अब आने की जरूरत ही नहीं है, और एक बूम ट्यूब खोल कर बुझाते हुए कहता है क्योंकि मुझे वो मिल गया है जिस वजह से मैं यहाँ पर था। उसके जाते ही बैटमैन के एक डिवाइस पर कुछ मैसेज आता है, जिस पर नाइटविंग कहता है कि ये क्या है। तब वो कहता है कि साइबॉर्ग मिसिंग है। तब ब्लैक लाइटनिंग कहता है कि मैंने उसे आखिरी बार वहाँ देखा था जहाँ पर मेट्रोपोलिस के बाहर वो पैराडिमंस के पीछे था, शायद वो अभी भी वही हो। तब वो कहता है वो मेट्रोपोलिस क्या, वो अर्थ पर ही नहीं है। इस पर फ्लैश पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तब वो बताता है क्योंकि उसकी लोकेशन मॉनिटर की जाती है उसके सब रूटीन्स के जरिए, और वो आगे बताता है कि वो एक चलता फिरता वेपन है एपोकलिप्शन टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि उसके माइंड उसके बॉडी और उसके ब्रेन में समाई हुई है, जो कि हमारे सोच से और समझ से दोनों से बाहर है। तो ये गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी कि ऐसी किसी पावर को फ्रीली घूमने दिया जाए। तब सुपरमैन पूछता है कि क्या विक को पता है कि तुम उसे ट्रेस कर रहे हो, जिस पर बैटमैन शांत रहता है। तब फ्लैश उसे पूछता है कि तुमने सीक्रेटली अपने फ्रेंड को हैक किया, और क्या तुमने किसी और के ऊपर भी ट्रैकर लगाया है, क्या तुमने सुपरमैन के ऊपर ट्रैकर लगाया है। तो बैटमैन कहता है नहीं। यहाँ पर वंडर वुमन कहती है तो इस मॉरेलिटी को साइड में रख के हम ये सोचते हैं कि विक अगर अर्थ पर नहीं है तो वो कहाँ पर है। तो बैटमैन कहता है कि मेरे ट्रैकर सिस्टम्स टू लाइट ईयर दूर की पोजीशन दिखा रहे हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। तो फ्लैश पूछता है कि वो कहाँ पर है। एपोकैलिप्स। डार्क साइड सिर्फ हमारे वर्ल्ड को तबाह करने के लिए नहीं आया था, क्योंकि अर्थ उसके लिए मायने नहीं रखती, वो किसी और चीज के लिए आया था। एपोकैलिप्स पर हम देखते हैं डेसार्ड को, जो कि एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में किसी को बता रहा था और कह रहा था एंटी लाइफ इक्वेशन क्या तुम इसके बारे में जानते हो मेटल मैन। तब हम देखते हैं वो साइबॉर्ग था और वो कहता है वो उस बारे में नहीं जानता। यहाँ पर डेसार्ड कहता है कि ये एंड है सब लोगों का, ये पूरे रेस तक को खत्म कर देती है सिवाय एक के, जो इसे कंट्रोल कर सकता है और जो पूरे एंड को कंट्रोल कर सकता है, और वो डार्क साइड को अल्माइटी डार्क साइड कहता है। तब साइबॉर्ग बताता है कि अल्माइटी डार्क साइड क्या सभी गॉड्स को ऐसे किसी पालतू की जरूरत होती है खुद को प्रेस करने के लिए और रीअश्योरेंस के लिए। तब डेसार्ड कहता है कि अल्माइटी डार्क साइड ही ऐसे एक है जिन्होंने हाफ इक्वेशन को पजेस कर रखा है, और उन्हें पता है कि आदि तुम्हारे दुनिया में है, और वो करेक्ट थे क्योंकि उन्हें वो मिल चुकी है। तब साइबॉर्ग कहता है कि कहां पर। तब अंदर आते हुए डार्क साइड कहता है कि वो तुम में है, जिस पर साइबॉर्ग कहता है क्या तुम अभी कॉरिडोर के उस गेट के पास थे ताकि डायलॉग होने के बाद तुम एंट्री मार सको। तब डार्क साइड कहता है कि डेसार्ड इसकी टंग उखाड़ दो, और वो ऐसा ही करता है। यहाँ पर मदर बॉक्स उसके चेस्ट पे रखकर डेसार्ड कहता है कि ये मदर बॉक्स आधी इक्वेशन तुम्हें फीड कर देगा जो कि डार्क साइड के पास थी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तब वो डार्क साइड को बताता है कि एंटी लाइफ इक्वेशन मर्ज करने के साथ वो डिजिटली और फिजिकली बॉन्ड होते वक्त अगर होस्ट मर गया तो उसे जिंदा करना नामुमकिन है, तो अगर ऐसा करते वक्त होस्ट मर गया तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट में नहीं आएगी। तब डार्क साइड कहता है कि इसका मतलब हमें विक्टर स्टोन का एंड कंट्रोल करना होगा, और वो समन करता है डेथ को, और डार्क साइड के बुलाते ही डेथ आ जाती है यानी कि ब्लैक रेसर, और वो उसे पकड़ते हुए कहता है ब्लैक रेसर मुझे तुम्हारी जरूरत है। थोड़ी देर बाद उसके सिस्टम्स उसे नई टंग दे देते
और साइबॉर्ग एक्सप्लेन कर पाता कि ये गलती थी। और यहाँ पर डेसार्ट ब्लैक रेसर के सिस्टम में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है और दूसरा साइबॉर्ग के, जिस वजह से डेथ का कुछ हिस्सा अब इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका था और इक्वेशन चेंज हो चुका था, जिस वजह से इक्वेशन करप्ट होना शुरू हो चुका था। और यहाँ पर इसी वजह से डार्कसाइड अपने सर को पूरी तरह से स्क्रैच करने लगता है, जहाँ पर ब्लैक रेसर कहता है कि अब गॉड मरने वाला है। यहाँ पर टॉर्चर डेसार्ट इस सबसे इम्यून था, लेकिन उसे पता था कि जो उसने खुला छोड़ रखा है वो किसी खतरे से कम नहीं है। इस वजह से वो इक्वेशन को साइबॉर्ग के साथ टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इन्फेक्टेड रूलर अब स्लेव बन चुका था नई एंटी लाइफ इक्वेशन का। और वो डार्कसाइड अटैक करता है और एपोकलिप्स के कोर में जाकर गिरता है और इस वजह से वो पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, जिस वजह से डार्कसाइड एक याद बनकर रह जाता है। अर्थ मेट्रोपोलिस, जहाँ पर साइबॉर्ग गिरता है बूम ट्यूब के जरिए, और जैसे ही वो अर्थ पर वापस आता है उसके सारे सिस्टम्स ऑनलाइन आने लगते हैं, जिस वजह से एंटी लाइफ इक्वेशन जो कि अभी उसके साथ मर्ज हो चुकी थी वो इंटरनेट के जरिए सब तरफ फैलनी शुरू हो जाती है। साइबॉर्ग फायरवॉल क्रिएट करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डैमेज अब पूरी तरह से फैल चुका था। एंटी लाइफ इक्वेशन फैल चुकी थी एक टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस के जैसे। उसने सोशल मीडिया पर अटैक किया और एक ब्रिज क्रिएट किया डिजिटल डिवाइड और बायोलॉजी के बीच में, और सभी इन्फेक्टेड माइंड्स जो कि किसी भी तरह की स्क्रीन को देखकर इन्फेक्टेड हो जाते थे, उन्होंने उस मैसेज को शेयर किया, ट्वीट किया और साथ ही साथ उन्होंने बाकियों को भी इन्फेक्टेड कर दिया। कुछ देर बाद डरे हुए और सहमे हुए लोग उस इक्वेशन को अपने सर से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो उसके गुलाम बन चुके थे। स्कॉट फ्री और बिग पाड़ा का घर, जहाँ पर स्कॉट फ्री कहता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त की मदद की जाए, और अगर वह एपोकैलिप्स पर है तो उसका बेस्ट चांस मुझे वहाँ पर ले जाकर होगा। और ये सुनने के बाद वो कहता है क्या तुम वहाँ पर जाओगे। तब बिग पाड़ा और स्कॉट फ्री कहते हैं हाँ हम जाएंगे, लेकिन तभी सुपरमैन कहता है कि तुमने वो सुना, और वो जहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे वहाँ की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर वो देखता है कि वो वायरस पूरी तरह से फैल चुका था और इस वजह से वो अपने घर की तरफ बढ़ता है। लुईस, जॉन और क्लार्क केंट का घर, मेट्रोपोलिस, जहाँ पर लुईस अपना रिंग हुआ फोन ढूंढ रही थी, जिस पर वो जॉन से पूछती है कि उसने उसका फोन देखा है। तब जॉन कहता है कि डेमियन फोन कहाँ पर है। तब डेमियन बताता है कि मुझे कैसे पता होगा। इस पर जॉन का कहना था कि तुम बैटमैन के बेटे हो, एक सुपर डिटेक्टिव, तो तुम्हें फोन ढूंढना आना चाहिए। तब डेमियन कहता है लेकिन तुम्हारे पास एक्सरे विजन है, और जॉन उसी की मदद से फोन को ढूंढ लेता है। और जैसे ही वो उसे उठाने जाता है तभी एक हीट विजन आकर लगती है उस फोन पर और वो फोन बस्ट हो जाता है। यहाँ पर अंदर घुसते हुए सुपरमैन कहता है कि कोई भी स्क्रीन नहीं देखेगा और वो टीवी के साथ सभी स्क्रीन को तोड़ना शुरू कर देता है। बैटकेव, जहाँ पर बैटमैन पूरे स्क्रीन से घिरा हुआ था, लेकिन एक सिस्टम उसे कहता है कि वायरस क्वारंटाइन कर लिया गया है और फायरवॉल्स एक्टिव हो चुके हैं, सारे सिस्टम लोकल इंटरनेट पर चल रहे हैं। तब वो बैकअप एनालॉग कैमरा सिस्टम चेक करता है और गौतम में चेक करता है कि वायरस कितना स्प्रेड हुआ। वो प्रोजेक्शंस रन करके देखता है और उसे ये पता चलता है कि एवरेज फोन, टैबलेट और पीसी के स्क्रीन के जरिए ही ये वायरस फैल रहा है, और ये एक कपलिंग थी डिजिटल और एग्रेसिव बायोलॉजिकल के बीच में, जो कि ब्लड टू ब्लड ट्रांसफरेंस हो चुकी थी। और वो देखता है कि लगभग 60 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंटरनेट का हर एक डिवाइस इसके चपेट में आकर बिलियंस इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और जब उसे पता चलता है कि कनेक्शंस अभी भी मैनर में शुरू है, तब वो कहता है कि अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एक्टिवेट करो, और ऐसा करते ही सारे सिस्टम्स ऑफलाइन चले जाते हैं। मेट्रोपोलिस, जहाँ पर सुपरमैन कहता है कि उसे लीक को असेंबल करना होगा, और यहाँ पर डेमियन रेडियो पर बैटमैन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनरीचेबल था। जहाँ पर लुईस कहती है कि वो ठीक होगा, क्योंकि अगर कोई है जो इससे बच सकता है तो वो सिर्फ बैटमैन है। जहाँ पर आगे जॉन कहता है कि डैड ने कहा था कि ये सब शुरू हुआ एक सोशल मीडिया के जरिए, और तभी डेमियन कहता है और बैटमैन सोशल है ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये दुनिया का अंत है। तब सुपरमैन उसे बताता है डेमियन ब्रूस की चिंता मत करो, क्योंकि उसके पास कंटिंजेंसीज हमेशा होती है, और अगर ये दुनिया का अंत भी है तो भी उसे तुम तक पहुंचने से ये अंत भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी है कि तुम्हारे पिता को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बैटमैन पूरे मैनर में ढूंढ रहा था टिम, डिक और अल्फ्रेड को, और अल्फ्रेड उसे मिलता है किचन में, जहाँ पर वो किसी पर चाकू ताने खड़ा था, और हमें वही आवाज फिर से सुनाई देती है, मुझे कहा गया था कि मॉन्स्टर्स नहीं होते और कुछ भी डार्क में छुपा हुआ नहीं होता और कुछ भी अंधेरे में से तुम पर अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं टिम और डिक को, दोनों को ही बैटमैन पर अटैक करते हुए, और उसमें से बैटमैन को टिम इन्फेक्ट कर देता है। और काश मैं अपने बच्चों को भी यही बता पाता, लेकिन टाइम के साथ मैंने मॉन्स्टर्स देखे जो कि असलियत में थे। यहाँ पर बैटमैन घायल होने के बावजूद अल्फ्रेड से भागने के लिए कहता है, और मैं जानता था कि ये सब रियल है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था वो मॉन्स्टर्स
हमारे अंदर थे।